प्यारे भैया बहनों, प्रातःकाल की आप सबको नमस्कार। आज आपकी कक्षा चतुर्थ में हम संस्कृत विषय लेकर के आए हैं। संस्कृत विषय में सप्तम पाठ, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छी बातें। तो प्यारे भैया बहनों, आपसे अनुरोध आग्रह कि आप अपनी संस्कृत की पुस्तक निकालें और उसमें पाठ 7 खोलें और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनें। मैं एक एक अक्षर का अर्थ बता रहा हूँ। प्रत्येक भैया बहन उस अक्षर के नीचे उंगली रख करके शब्द का अर्थ समझते हुए श्लोक का अर्थ को ध्यान से सुनें, समझें और उसके बाद फिर पुनः अभ्यास करें। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। आकाशात् आकाश से, पतितं गिरा हुआ, तोयं जल, आकाश से गिरा हुआ जल, यथा गच्छति सागरम्, जैसे सागर को जाता है। देव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, देवताओं को नमस्कार किया हुआ वैसे ही कृष्ण जी के पास जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी कि 18 पुराणों में व्यासस्य व्यास जी के वचन द्वयम्, दो वचन कहे गए हैं। 18 पुराणों में व्यास जी ने दो वचन कहे हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, कि परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा पाप नहीं है। व्यास जी ने अपने 18 पुराणों में दो ही वचन कहे हैं, परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा पाप नहीं है। आगे है, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो न तप है, न दानम न दान है, न ज्ञानम न ज्ञान है, न शील है और ना ही गुण है और ना ही धर्म है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, वे लोग इस ते मृत्युलोक के भूमि भार भूता, वे लोग इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर, भूमि माने पृथ्वी पर भार हैं, बोझ हैं। जिस प्रकार से मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जिस प्रकार से जिस प्रकार से मृग चरते हैं, उसी प्रकार से वो भी इस पृथ्वी पर बोझ हैं। यद आचरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरोजना सा यत्त प्रमाणम कुरुते लोकस्त तदनु वर्तते। यद्दा आचरति, जो श्रेष्ठ आचरण, यद आचरति श्रेष्ठ तत्त्व देवे तरोजना, जो श्रेष्ठ आचरण करता है वही देवता के समान है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करता है वह देवता के समान है। अब श्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छे अच्छे कार्य करना, श्रेष्ठ का मतलब। तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करता है वही देवता के समान होता है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, जैसा कार्य करता है, जैसा वह कार्य करता है वह उसके लिए प्रमाण होता है और संसार
उस प्रमाण को देख करके उसी का अनुसरण करता है। माता शत्रु पिता बैरी ये इन बालों ना पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता पिता वो शत्रु के समान हैं जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। कहा है कि माता और पिता वे शत्रु के समान हैं जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंसो मध्य बको यथा। जिस प्रकार से सभा के बीच में बगुला बैठा होता है, हंसों जिस प्रकार से हंसों की सभा में बगुला बैठा होता है, वह उस प्रकार से होते हैं। अर्थात पढ़े लिखों के बीच में या विद्वानों के बीच में अज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो वह ऐसा लगता है जैसे कि हंसों के बीच में बगुला बैठा हुआ हो। आगे है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सा हेतु सर्वविद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा। जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की बार बार बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही सभी विद्याएं चाहे धर्म हो या धन हो, वैसे ही वो भी क्रम से धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने आपको यह पाठ पढ़ाया शुभास्तानी में, और सभी भैया बहनों से अनुरोध कि वे इस पाठ का पुनः अभ्यास करें। शेष कार्य आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।